नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। जशपुर से बड़ी खबर है, जहां संसदीय सचिव यूडी मिंज के खिलाफ नाराजगी देखने को मिली है सर्वेश्वरी आश्रम के भक्तों में। अधिकारी के पोस्टिंग में आश्रम का नाम लिए जाने से भक्त भड़क गए। जनजाति सुरक्षा मंच और बीजेपी ने भी पुतला दहन किया है। सिंचाई विभाग के अधिकारी की पोस्टिंग का ये पूरा मामला। तो जशपुर में संसदीय सचिव यूडी मिंज के खिलाफ नाराजगी देखने को मिली सर्वेश्वरी आश्रम के भक्तों में। अधिकारी के पोस्टिंग में आश्रम का नाम दिए जाने से सर्वेश्वरी आश्रम के भक्त भड़क गए। जनजाति सुरक्षा मंच और बीजेपी ने भी आश्रम के भक्तों का समर्थन किया है। पुतला दहन किया गया, पुलिस भी वहां पर मौजूद थी। सिंचाई विभाग के अधिकारी की पोस्टिंग का ये पूरा मामला है, जिसमें सर्वेश्वरी आश्रम का नाम लिए जाने पर आश्रम के भक्त नाराज हो गए, भड़क गए, जमकर प्रदर्शन किया, पुतला दहन भी किया गया और बीजेपी जनजातीय सुरक्षा मंच का भी समर्थन मिला है आश्रम को। आखिरकार विधायक ने अपना रंग दिखा ही दिया। जिस तरह से एक जल संसाधन विभाग के जो जिला के अधिकारी को ट्रांसफर करने का बात उस चिट्ठी में लिखा गया है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से हिंदुओं की आस्था सोगड़ा आश्रम जशपुर वासियों की ही नहीं पूरे देश की आस्था है। लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। उस संस्था को बदनाम करने के लिए विधायक जी ने चिट्ठी लिखते हैं एक छोटा सा अधिकारी के लिए और चिन्हांकित करके बोलते हैं कि ये सोगड़ा आश्रम से संबंधित है, आना जाना करता है, काफ़ी अच्छा ज़्यादा लगाव है, ये दर्शा करके चिट्ठी लिखने का अगर काम करते हैं तो आज विधायक जी अपना विचार को व्यक्त कर दिए, अपना असली रूप को दिखा लिए। एक तरफ से हिंदुओं का चोला ओढ़कर दिखावा करने का कोशिश करते हैं, आज उनका मन की बात जुबान से निकल आया है। यहाँ का तथाकथित एमएलए जिसका यूडी मिंज कहते हैं, है उसको धिक्कार करता हूं मैं तो, उनको शर्म आना चाहिए। हिंदुत्व की बात करके, राजनीति करके और लोगों को बेवकूफ बनाना, और दूसरे तरफ लाखों करोड़ों हिंदुओं को सोगड़ा के नाम पर चोट पहुंचाने का काम करना, ये बर्दाश्त नहीं होगा। राजनेताओं की रिएक्शन भी सामने आए हैं। विष्णुदेव साय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के कह रहे हैं, ट्वीट करते हुए निशाना साधा है विधायक और संसदीय सचिव यूडी मिंज पर। अधिकारी की पदस्थापना पर जारी विवाद पर निशाना साधा है विष्णुदेव साय ने। सर्वेश्वरी आश्रम का नाम लिए जाने पर नाराजगी जाहिर की। तो कुनकुरी विधायक यूडी मिंज ने हमारी आस्था के केंद्र सर्वेश्वरी समूह पर झूठे आरोप लगाकर लाखों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ किया है। आस्था उन लाखों हिंदुओं की आस्था उससे जुड़ी है, ये कह रहे हैं विष्णुदेव साय। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राजनांद गांव से बड़ी खबर है, जहां विधायक छन्नी साहू पर चाकू से हमला हुआ। विधायक के हाथ में चोट लग गई है इस हमले से। कार्यक्रम के दौरान यह घटना घटित हुई। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, मामले की जांच जारी है। खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं छन्नी साहू। डोंगर गांव थाना के चिल्हाटी जोधरा गांव का यह पूरा मामला। राजनांदगांव से खबर, जहां विधायक छन्नी साहू पर चाकू से हमला कर दिया। विधायक के हाथ में चोट लगी, कार्यक्रम के दौरान की घटना है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, मामले की जांच में की पुलिस। खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं छन्नी साहू। डोंगर गांव थाना के चिल्हाटी जोंधरा गांव का ये पूरा मामला है, जहां विधायक पर एक शख्स ने चाकू से हमला कर दिया था।
और इस समझे में विधायक को हाथ में चोट आई है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे संवाददाता राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं फोनलाइन पर। राकेश, क्या है पूरा मामला? जी, मैं आपको बता दूं कि कुछ विधानसभा क्षेत्र की विधायक छन्नी साहू सामुदायिक भवन के लोकार्पण भूमि पूजन कार्यक्रम में वहां पहुंची थी। इस दौरान कार्यक्रम चल ही रहा था, उनका भाषण भी चल रहा था। इस दौरान गांव का ही एक युवक है जो नशे की हालत में दूध सब्जी बनाने वाली जो चाकू होती है, सब्जी काटने वाली चाकू होती है, वो लेके वहां पहुंचा था और उसने मंच पे चढ़कर विधायक पे हमला कर दिया। और जैसे ही उसने हमला किया और विधायक के हाथ में चाकू से चोट लगी, वहां मौजूद पीएसओ और पुलिस वालों ने उस आरोपी को धर दबोचा और चोट लगने के बाद विधायक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, उपचार उनका किया गया है और हल्की फुल्की चोटें उनके हाथ में आई हैं और विधायक को सुरक्षित सुरक्षाकर्मियों ने वहां उस हमला करने वाले युवक को तो पकड़ लिया और विधायक को भी सुरक्षित बचा लिया। बिल्कुल राकेश, इस कार्यक्रम के दौरान क्या विधायक के साथ उनके सुरक्षा गार्ड मौजूद नहीं थे? जी, उनके सुरक्षा गार्ड जो पीएसओ हैं वो मौजूद थे, वो कार्यक्रम चल रहा था। और अमूमन इस तरीके की घटना कभी राजनांदगांव में और उस क्षेत्र में नहीं होती है, लेकिन अचानक ऐसी घटना घटी है जो इस तरीके का मामला सामने आया है, जिसके कारण और जो पीएसओ मौजूद थे उन्होंने तुरंत आरोपी को वहीं धर दबोचा था, मंच में ही उसे पकड़ लिया था और पीएसओ सामने आए और उनको विधायक को बचाया गया और हमले करने का प्रयास आरोपी के द्वारा किया गया, लेकिन इस दौरान उन्होंने सुरक्षाकर्मियों ने उसे धर दबोचा आरोपियों को। तो ये बात भी निकल कर सामने आई है राकेश, आरोपी से पूछताछ में कि आखिर उसने ये क्यों किया, विधायक पर हमला क्यों किया था? जी, मैं आपको बता दूं कि जो आरोपी युवक है वो नशे के हाल में है और नशे में धुत है और पुलिस उसको थाने ले आई है, डोंगरगांव थाने लेके आ चुकी है और उसे पूछताछ कर रहे हैं। और अहम चीज यह होगा कि पूछताछ या स्पष्ट बात तब क्लियर हो पाएगी कि आरोपी जो है वो नशे की हालत में है, वो नशा उसका जब तक नहीं उतरेगा वो चीजों को स्पष्ट नहीं बता पाएगा और वो उसे अभी भी लेकिन पुलिस पूछताछ करने का प्रयास कर रही है। ठीक है राकेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां बिजली के खंभे में ब्लास्ट हो गया। सिरगिट्टी क्षेत्र के वार्ड 10 बजरंग नगर घटना है, अचानक ब्लास्ट से इलाके में दहशत फैल गई। घटना के बाद इलाके की बिजली कुल है, बारिश में बिजली विभाग के दावों की पोल खुल गई है, रोज ट्रांसफार्मर और इलेक्ट्रिक पोल में शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं, शॉर्ट सर्किट की वजह से घंटों बिजली कुल रहती है। ये देखिए तस्वीरें किस तरीके से भयंकर शॉर्ट सर्किट यहां पर हुआ, जमकर ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट के बाद काफी देर तक बिजली अभी भी गुल है, यह बताया जा रहा है। अचानक हुए ब्लास्ट से इलाके में दहशत भी फैल गई। घटना के बाद इलाके की बिजली गुल है और बारिश में बिजली विभाग के जो दावे किए जाते हैं उन दावों की पोल भी खुल गई है, रोज आए दिन ट्रांसफार्मर और इलेक्ट्रिक पोल में शॉर्ट सर्किट होने से यूं ही ब्लास्ट हो रहे हैं, शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं, जिससे बिजली गुल रहती है कई घंटों तक, जिससे ग्रामीण परेशान होते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आम आदमी पार्टी विंध की 30 सीटों पर नजर बनाए हुए है और इसी कड़ी में चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत मान सतना पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं जनता को दिल्ली की तर्ज पर मोहल्ला क्लिनिक, किसान सम्मान निधि समेत कई वादे किए। चुनावी सरगर्मी के बीच बीजेपी ने अपने प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है। इंदौर के सांवेर विधानसभा क्षेत्र का जिम्मा हार्दिक पटेल को दिया गया है। इसी कड़ी में हार्दिक पटेल इंदौर के समर विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस भ्रष्टाचारी पार्टी बताया कांग्रेस को और कमलनाथ दिग्विजय सिंह पर हमला बोला। हार्दिक सांवेर विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, पार्टी को रिपोर्ट कार्ड सौंपेंगे। यहाँ की प्राथमिक
जो समस्या है, जो प्राथमिक यहाँ की रिपोर्ट है, उसको वहाँ तक पहुँचाना है। और पार्टी की जो व्याप है उसको कैसे बढ़ाया जाए असेंबली में, वो काम हम लोगों को करना है। देखिए, कांग्रेस से बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी कोई नहीं, आप और हम सब जानते हैं। अच्छा, मुझे ये लगता है कि दिग्विजय सिंह जी के ऐसे ही बयान दंगे करवाते हैं। दिग्विजय सिंह जी वरिष्ठ पद पर रहे हुए व्यक्ति और जब ऐसे निवेदनबाजी करते हैं तो कई बार दुख लगता है। उन्होंने कहा कि नूह में बीजेपी ने किया, मध्य प्रदेश में बीजेपी करेगी। भाई, आपके पास कोई सबूत है? कमलनाथ जी हमसे काफ़ी बुजुर्ग है, उनको बयानबाजी करने का अधिकार है। आप और हम सब लोग जानते हैं कि राजनीतिक चुनावी प्रक्रिया होती है तो बड़े नेता ही आते हैं चुनावी प्रक्रिया में, और चुनावी प्रक्रिया उन बड़े नेताओं से हम जैसे छोटे कार्यकर्ता मार्गदर्शन लेते हैं और फिर हम जमीन पर काम करते हैं। तो क्या आने वाले चुनाव में कमलनाथ जी अकेले घूमेंगे कि उनके पार्टी के भी वरिष्ठ नेता आएंगे यहाँ? छतरपुर विधानसभा सीट से टिकट नहीं मिलने के बाद बीजेपी नेता अर्चना गुड्डू सिंह का दर्द छलक उठा। हर साल की तरह इस साल भी आयोजित कांवड़ यात्रा में अपने समर्थकों को मंच से संबोधित करते वक्त वो भावुक हो गईं और अपने समर्थकों से सहयोग मांगा है। आपको बता दें, बीजेपी ने पिछले दिनों सूची जारी की थी और छतरपुर सीट से ललिता यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं मुरैना में घरेलू विवाद को सुलझाने के लिए बहन के घर आए साली और साले की जीजा ने गोली मारकर हत्या कर दी। भाई बहन को बचाने के लिए आरोपी की पत्नी बीच में आई तो उसे भी गोली मार दी। गोली लगने से तीनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। मामला बागचीनी थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के पास का है। घटना के बाद आरोपी मौके से भाग गया और इलाके में तनाव के हालात हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और टीम बनाकर आरोपी की तलाश तेज कर दी है। और उसका परिवार हम लोगों ने स्वयं घटनास्थल अभी जाके देखा था, वो अभी मौके से फरार हैं। अभी उन लोगों का पता लगा रहे हैं और उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। पन्ना में अज्ञात मणि का लालच युवक की जान पर भारी पड़ गया और उसकी हत्या हो गई। यूपी के रहने वाले विकास पांडे की छतरपुर के बागेश्वर धाम में एक युवक से मुलाकात होती है और वो उसे नाग मणि का लालच देकर पन्ना के शाहनगर बुलाता है। युवक अपने तीन साथियों के साथ बीती देर शाम मौके पर पहुंचता है, लेकिन अज्ञात आरोपी उन्हें जंगल ले जाकर मारपीट करते हैं। युवक के दोस्त किसी तरह जान बचाकर भागते हैं, लेकिन विकास पांडे को आरोपियों ने मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के बाद अब पुलिस जांच में जुटी हुई है। अवस्था में व्यक्ति पड़ा हुआ था, उसके बाद उसके साथ उसके तीन दोस्त भी थे। इनको पकड़ के पूछताछ किया गया तो पता चला कि किसी मनी के संबंध में इन लोगों को इस व्यक्ति को कुछ फ़ोन आया था और ये वहाँ पहुँचा और उसके बाद जो भी ये घटना घटी है। अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हमने कुछ संदिग्धों को भी उठाया है और अभी जैसी कार्रवाई होगी वैसे आपको अवगत कराया जाएगा। रतलाम में पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान एक मुन्ना भाई पकड़ाया है। आरोपी का नाम पुष्पेंद्र यादव है जो कि यूपी का रहने वाला है। आरोपी राहुल यादव की जगह परीक्षा देने पहुंचा था, लेकिन बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के दौरान संदेह होने पर वो परीक्षा हॉल से भागने लगा। जानकारी के बाद पुलिस ने पीछा किया, उसे गांव के एक उस पास के गांव में पकड़ा। आरोपी की निशानदेही पर परीक्षार्थी राहुल यादव को गिरफ्तार कर दिया गया। ये पुष्पेंद्र नाम का लड़का आया राहुल नाम की आईडी लेकर और आधार कार्ड लेकर प्रवेश करने का प्रयास किया इसने, क्योंकि वेरिफिकेशन चल रहा था वहाँ कागजातों के वेरिफिकेशन में और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में ये पकड़ा गया है। पकड़ने के बाद इस पर संदेह हुआ, इससे पूछताछ जारी करी कर्मचारियों ने, तो ये स्कूल से पीछे की साइड कूदकर भाग गया, जिसको पुलिस की मदद से इसको पकड़ा है और इसके बताए अनुसार ये जिसकी जगह पर एग्जाम देने आया था राहुल यादव को भी पकड़ लिया है। अब इनकी पूछताछ जारी है, आगे कार्रवाई की जाएगी।
धार के कानवन थाना क्षेत्र में पुलिस ने जुए की फड़ पर छापामार कार्रवाई कर 44 लोगों को पकड़ा। इनके पास से 3,47,000 रुपए भी बरामद किए। पुलिस की माने तो सूचना लगातार मिल रही थी और इसी के आधार पर स्पेशल टीम और साइबर सेल ने मिलकर छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने अलग अलग 6 स्थानों पर छापामार कार्रवाई कर 44 लोगों को जुआ खेलते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस ने जुए के अड्डों पर छापेमारी की, 44 जुआरियों को पकड़ा है। जुआ खेलते हुए 44 जुआरी रंगे हाथों पकड़े गए। 6 जगहों पर पुलिस ने छापा मारा था। स्पेशल टीम और साइबर सेल ने संयुक्त कार्रवाई की है। जुए के अड्डों पर 3,47,000 रुपए भी पुलिस ने बरामद किए। जुआ खेलते हुए 44 जुआरियों को रंगे हाथों पकड़ा और इनके पास से 3,47,000 रुपए भी पुलिस को मिले हैं। उज्जैन के बड़नगर में शराबी पिता ने पत्नी और 2 बच्चों की हत्या कर आत्महत्या कर ली। पुलिस और परिजनों के मुताबिक आरोपी मृतक नशे का आदि था। शराब एक ऐसी लत जो सब बर्बाद कर देती है। इस लत से आप मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। इसका प्रमाण उज्जैन से आई ये खबर है, जहां एक दंपत्ति के बीच विवाद होता है, फिर पति शराब के नशे में अपनी पत्नी समेत 2 बच्चों की हत्या कर देता है और खुद भी आत्महत्या कर लेता है। ये मामला बड़नगर के बालौद का है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि आरोपी दिलीप पवार नशे की हालत में अपने घर की तरफ जा रहा था। इस दौरान एक कुत्ता उस पर भौंकता है। आरोपी को कुत्ते पर गुस्सा आता है और वो गुस्से में घर से तलवार लेकर कुत्ते को मारने पहुंच जाता है। इस दौरान उसकी पत्नी उसे समझाती है, रोकने की कोशिश करती है। पत्नी के द्वारा रोके टोके जाने पर नशे में चूर गुस्से में आरोपी नाराज होकर अपनी पत्नी और 2 बेटियों की हत्या कर देता है। वहीं 2 बेटे घर की छत से कूदकर भागकर किसी तरह से अपनी जान बचाते हैं। खबर सतना के नागौद से, जहां झाड़ियों में लावारिस बच्ची मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो आम दिनों की तरह अपने खेतों की ओर जा रहे थे, तभी झाड़ियों से बच्ची के रोने की आवाज सुनाई थी, जिसके बाद लोगों ने झाड़ियों में झांककर देखा तो पाया कि वहां एक बच्ची पड़ी है। बच्ची के शरीर पर चींटियां रेंग रही थी। स्थानीय लोगों की मदद से बच्ची को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस बच्ची के परिजनों की तलाश कर रही है। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में लगातार हो रही चीतों की मौत के बाद नाराज चीता मित्र और पूर्व दस्यु रमेश सिंह सिकरवार ने चीता मित्र का पद छोड़ दिया। रमेश सिंह सिकरवार ने आरोप लगाया कि खराब इंतजाम और चीतों को बेहतर खाना और वक्त पर दवाएं नहीं मिलने से उनकी मौत हो रही है। अगर जल्द ही व्यवस्थाओं को नहीं सुधारा गया तो बाकी के चीते भी समय से पहले खत्म हो जाएंगे। रमेश सिंह सिकरवार का कहना है कि उसने इन बातों की जानकारी DFO को भी देने की कोशिश की, लेकिन नतीजा नहीं निकला। करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था सही। उनको उल्टा सीधा मांस खिला देना, उनकी देख वास्ते निकलना, डॉक्टर वहाँ पर डॉक्टर फर्जी बल बना देंगे दवाई गोली उसके देखाभारी करने के लिए। जब टीम सही रक्षा करने वाली होती है तो चीता 2-2, 3-3 किलोमीटर निकल जाते हैं। वो तो 1 किलोमीटर जाएंगे तभी पता लगा चीता कहाँ जा रहा है। जब तक क्या वो सो जाते हैं वो लोग। इसी बात को मैं बोलता तो उनको बुरा लगता था, कार का DFO कर्मचारियों को बुरा लगता था। मुखिया जी आप तो यार हमारे उल्टा सीधा, यार तुमको क्या करना है, मैं कुछ भी नहीं करना, मैं चीता मित्र हूँ, नहीं करना तुम जानो तुम्हारा काम जानो। तो मैंने उस लिए जो उनको बुरा लगना तो मैं वहाँ जाना बंद कर दिया और इस्तीफा दे दिया। तेरा चीता मित्र मुझे कुछ मतलब तुम्हारे चीता से धीरे धीरे वो चीता सभी मर गए। अगर मैं आज वहाँ होता तो चीता एक भी नहीं मरने देता मैं। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।